हेलो एवरीबॉडी, मैं डीएन सर। आज आप लोगों को द साउंड ऑफ म्यूजिक पढ़ाऊंगा, जो यूपी बोर्ड क्लास 9th के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। इसे डेबोरा काउली ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं इनके बारे में बताता हूँ। डेबोरा काउली एक स्वतंत्र लेखक और प्रसारक हैं। उसने अपने राजनयिक पति के साथ दुनिया की यात्रा की। उसने वॉशिंगटन डीसी में सीबीसी रेडियो के लिए एक रिपोर्टर के रूप में काम किया। समाज सेवा के क्षेत्र में भी यह अग्रणी रही। अब मैं इस चैप्टर के बारे में बताता हूँ, अर्थात मैं आपको द साउंड ऑफ म्यूजिक का हिंदी सारांश बताता हूँ। यह कहानी इवलिन ग्लेनी नाम की एक स्कॉटिश लड़की के जीवन पर आधारित है। जब वह 8 वर्ष की थी, तब उसे पता चला कि वह अपने सुनने की क्षमता को खो चुकी है। वह स्कूल में अपने मित्रों और अध्यापकों से इस बात को छुपाने में सफल रही, लेकिन जब वह 11 वर्ष की हुई तो इस बात का सबको पता चल गया। अब उसमें सुनाई देने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। यह सब कुछ एक धीमी प्रक्रिया के अंतर्गत नाड़ी के नष्ट हो जाने के कारण हुआ था, और उसके लिए सब कुछ अंधकार में हो गया। बिफोर यू रीड, पहले आप पढ़ें। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। हियरिंग मीन्स होता है श्रवण, सुनने की क्षमता। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने उसके श्रवण क्षमता को ले लिया। बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग, लेकिन उसने उसे कुछ दिया जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब जो बहुत ही साधारण थी। वाट वी हियर, जो कुछ भी हम सुनते हैं, सी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। जो कुछ भी हम सुनते हैं वह उस सभी को हम में से किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा वह महसूस करके जान लेती है। ठीक है, दैट इज़ व्हाई, और इसी कारण से सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल्ली, और इसी कारण से वह संगीत को इतने सुंदर ढंग से, इतने मधुर ढंग से वह प्रस्तुत करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन, मतलब निम्नलिखित एक व्यक्ति के बारे में पढ़िए। नीचे लिखे गए एक व्यक्ति के बारे में पढ़िए। हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, जो शारीरिक विकलांगता के विरुद्ध संघर्ष किया। अगेंस्ट विरुद्ध, शारीरिक डिसेबिलिटी विकलांगता, जो शारीरिक विकलांगता के विरुद्ध फॉट लड़ाई किया, संघर्ष किया। एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेसफुल स्टोरी, और उसके जीवन को एक सफल कहानी बनाया। रस और क्राउड्स जस्टिल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। देखिए,
रस, रस और, रस आर का मतलब होता है एक समय जब लोग आम तौर पर यात्रा करते हैं, ठीक। रस और मीन्स होता है एक समय जब आम लोग यात्रा करते हैं। क्राउड्स, क्राउड्स मीन्स होता है भीड़। जॉस्टल, जॉस्टल मीन्स होता है धक्का मुक्की। फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मीन्स भूमिगत या पृथ्वी के नीचे। ट्रेन, ट्रेन प्लेटफॉर्म मतलब कहा जा रहा है कि, कहा जा रहा है कि रस और क्राउड, जॉस्टल मतलब हड़बड़ी के समय, हड़बड़ी के समय भीड़, क्राउड भीड़, भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थान पाने के लिए, ठीक, देखिए पोजीशन, स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की करती है। फिर से देखिए, भीड़ के समय या हड़बड़ी के समय भीड़ भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थान पाने के लिए जॉस्टल धक्का मुक्की करती है। स्लाइट गर्ल मतलब एक स्लाइट मीन्स होता है छरहरी, एक छरहरी लड़की। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो 17 वर्ष की अपनी आयु से भी कम आयु की दिखाई देती थी। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, अपने उम्र 17 वर्ष की आयु से भी कम की वह दिखाई देती थी। वॉज नर्वस, वह घबरा गई। एट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन, देखिए वाइब्रेशन मीन्स होता है कंपन। एट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए, ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी। मतलब कहा जा रहा है कि जो लड़की थी वह घबरा गई, घबरा गई। एट तो भी या तथापि, एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन मतलब आती हुई रेलगाड़ी के, आती हुई रेलगाड़ी के कंपन के अनुभव को वह और भी ज़्यादा तरीके से वह महसूस कर रही थी या उससे वह उत्तेजित थी, ठीक है। मतलब जो ट्रेन थी या जो रेलगाड़ी थी वह कंपन कर रही थी और कंपन के अनुभव कर वह जो लड़की थी एक्साइटेड, वह उत्तेजित थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। देखिए कहा जा रहा है कि लंदन के, देखिए लंदन के प्रतिष्ठित, प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित, लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल संगीत अकादमी पर उसका हर फर्स्ट डे, उसका पहला दिन था, ठीक है, उसका पहला दिन था। एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फॉर अ स्कॉटिश, मतलब देखिए कहा जा रहा है कि किसी भी टीनेजर के लिए, ठीक है, किसी भी टीनेजर के लिए, टीनेजर में से 13 से 19 वर्ष के किशोर या किशोरी, ठीक है, 13 से 19 वर्ष के
किशोर और किशोरी को हम टीनेजर कहेंगे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि एंड डॉन्टिंग एनफ, डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश, मतलब वो कह रहे हैं कि स्कॉटलैंड के किसी फॉर्म पर उत्पन्न किसी किशोरी के लिए पर्याप्त डरावने वाला अवसर था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, म्यूजिशियन संगीतज्ञ बनने की इच्छुक फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, प्रोफाउंडली मीन्स गंभीर रूप से और डेफ मीन्स बहरी, मतलब कहा जा रहा है कि संगीतज्ञ बनने की इच्छुक लड़की जो गंभीर रूप से प्रोफाउंडली गंभीर रूप से बहरी थी के लिए अधिकांश लोगों की अपेक्षा कहीं बड़ी चुनौती का सामना करना था। एवलिन ग्लिनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेडुअल, ग्रेडुअल में स्वतः धीरे धीरे, लॉस में क्षति नुकसान, हियरिंग में स्वतः श्रवण सुनने की क्षमता, मतलब एवलिन ग्लिनी का श्रवण ह्रास, हियरिंग श्रवण ह्रास, ग्लिनी ऐसे कहिए कि एवलिन ग्लिनी का श्रवण ह्रास हैड बीन ग्रेडुअल, धीरे धीरे हुआ, मतलब जो सुनने की क्षमता थी वह धीरे धीरे कम हुई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। देखिए कहा जा रहा है कि हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 year old, मतलब जब वह 8 वर्ष की आयु की थी, उसकी माँ स्मरण कराती हैं, उसकी माँ याद दिलाती हैं, हर मदर रिमेंबर्स उसकी माँ स्मरण करती हैं कि जब वह 8 वर्ष की थी तो पियानो बजाने के लिए वह प्रतीक्षा कर रही थी। देखिए समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन 8 years old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, तब एवलिन पियानो बजाने की वह प्रतीक्षा कर रही थी जब वह 8 साल की थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिड नॉट मूव, देखिए दे कॉल्ड हर नेम, मतलब उस समय कुछ चीज़ें जो हैं वह गलत नज़र आ रही थी और इसाबेल कहती हैं, देखिए दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिडेंट मूव, आई सडनली रियलाइज्ड सी हैडेंट हर्ड सीज इसाबेल, मतलब इसाबेल कहती हैं कि दे कॉल्ड हर नेम, कि उन्होंने उसका नाम पुकारा, दे कॉल्ड हर नेम उन्होंने उसका नाम पुकारा एंड सी डिडेंट मूव और वह नहीं उठी। आई सडनली रियलाइज, मैं अचानक
अकस्मात महसूस की, सी हैडंट हर्ड, कि उसने नहीं सुना। सेज इसाबेल ग्लेनी ने कहा, फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोमिंग डेफ्टनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। फॉर क्वाइट अ वाइल, मतलब कहा जा रहा है कि इवलिन ज़्यादा दिनों तक अपने मित्रों फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने मित्रों और शिक्षकों से, अध्यापकों से अपने गहराते हुए बहरापन को, ग्रोमिंग गहराते हुए बहरापन को छिपाने का प्रयत्न करती रही। डेफनेस में से बहरापन, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों और अपने अध्यापकों से अपने गहराते हुए बहरेपन को कंसिल छुपाने का वह प्रयास करती रही। बट लेकिन द टाइम सी वॉज 11, लेकिन जब वह 11 वर्ष की थी, हर मार्क्स हैड डेटरिएटेड, उसके अंकों में गिरावट आई। डेटरिएटेड मीन्स गिरावट आई। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, और उसके प्रधान अध्यापिका ने उसके माता पिता को बताया, उसके माता पिता से सिफारिश की टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि वे किसी विशेषज्ञ को दिखाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब यह बात डिस्कवर्ड सामने आई, डिस्कवर्ड मतलब खोजना, तब यह बात सामने आई दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेडुअल नर्व डैमेज। ग्रेडुअल में से क्रमिक या क्रम, नर्व स्नायु, डैमेज क्षति नुकसान। तो देखिए कहा जा रहा है कि उस समय यह बात सामने आई, उस समय यह पता चला कि क्रमिक स्नायु क्षति के फलस्वरूप उसमें सुनने की क्षमता अत्यधिक कमज़ोर हो गई। दे वर एडवाइज्ड, और उसके माता पिता को सलाह दिया गया दैट सी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि उसके कानों में सुनने का यंत्र लगा दिया जाए। सी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, उसके कानों में सुनने का यंत्र लगा दिया जाए। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर डेफ, और उसको बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, देखिए सेज इवलिन कहती हैं कि एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, अचानक या अकस्मात प्रत्येक चीज़ काली दिखाई देने लगी।